अभी मुझे एक बात बताइए, अगर वो तानाशाही करते, अगर वो डिप्लोमेट होते, अगर वो देश सही से नहीं चला रहे थे, लोग उनको दूसरी बार क्यों चुन के लाते? सब तो लोगों के, जनता के हाथ में रहता है ना। अगर कोई सरकार बार बार चुन के आ रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को तरक्की दिख रही है वो चीज़ों में। अच्छा। तो ये विपक्ष का ये बोलना कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तानाशाही हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज दे वॉन्ट टू से समथिंग, उनको बोलना है इसीलिए वो बोल रहे हैं। मोदी जी इज अ वन मैन आर्मी, वो वन मैन आर्मी है, अभी उनके आगे कोई नहीं है। करेंटली उनके बराबर का मुझे कोई नेता लगता नहीं है। फ्यूचर में अगर आना होगा तो आए, लेकिन करेंटली मुझे नहीं लगता ये डेकेड में उनके जैसा कोई है। अगर उनके बाद कोई है वो योगी जी हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बोली जाती है, अगर आप सही होते हो तो आप अकेले रहते हो, पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाती है। तो वो चीज़ मोदी जी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो पथ के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। तो ये जो झुंड है इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है और मोदी जी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड वी सपोर्ट हिम।